हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और इस वक्त जुड़ चुकी है आकांक्षा पुरी। आकांक्षा, वेलकम ऑन दैनिक जागरण। थैंक यू नेहा, थैंक यू, सो अमेजिंग टू सी यू अगेन। एंड यस, थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। डेंजरस, काफी डेंजरस होता जा रहा है एंड लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे सारे लुक्स को, मेरे एटीट्यूड को। सॉन्ग में परफॉर्मेंस, सॉन्ग इज ट्रेंडिंग एंड वी आर गेटिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स। मजा आ रहा है। 4 साल बाद श्रेय और मैंने वापस जहां तुम हो के बाद कोलैबोरेट किया है डेंजरस पे। सो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस। -3 में चंडीगढ़ में हमने शूट किया था दिसंबर में, न्यू ईयर्स ईव के पहले। तो दिस वाज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2020। तो आई थिंक डेंजरसली गुड बाय, बहुत अच्छे नोट पे किया हमने 2020 को। सो यस, नाउ वी ऑल सेट फॉर 2021। बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, काफी कुछ हो रहा है लाइफ में। आकांक्षा, ऐसे क्या रीजंस थे कि आपने इस सॉन्ग को चुना? क्योंकि बैक टू बैक आप ऐसा नहीं था कि आप सॉन्ग्स कर रही थी, अगर आपने चुना है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी होगी। तो ऐसे तीन वजह आपको समझाना चाहेंगे जिसकी वजह से आकांक्षा ने इस डेंजरस चीज को बहुत बहुत आसानी से हाँ कह दिया, चलो करते हैं। पहली बात तो एक्चुअली सॉन्ग ने मुझे चुना, मैंने सॉन्ग को नहीं चुना। एंड श्रेय बहुत ही श्योर थे कि इस सॉन्ग के लिए उन्हें आकांक्षा ही चाहिए। एंड बिकॉज जो सॉन्ग के लिरिक्स है वो है लक तेरा डेंजरस, विच इज द बॉडी, आपकी बॉडी आपका बट बहुत डेंजरस है। एंड आई थिंक आई गॉट अ वेरी नाइस बॉडी, वेरी नाइस कर्व्स, तो मुझे लगता है मैं परफेक्ट फिट हूँ इस सॉन्ग के लिए। एंड बिकॉज श्रेय और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लोग हमें देखना चाह रहे थे काफी टाइम से। सो दैट्स वाई आई थिंक आई चूज दिस सॉन्ग। एंड गिफ्टी सर डायरेक्ट कर रहे थे, जो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था इस सॉन्ग को हाँ कहने के लिए, बिकॉज मैंने गिफ्टी सर के सारे गुरु रंधावा के, हनी सिंह के और बहुत सारे सॉन्ग्स देखे हैं जिनकी मैं बहुत फैन हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी गिफ्टी सर के साथ भी काम करने के लिए विद श्रेय। सो यस, देयर आई एम डेंजरसली डेंजरस इन द सॉन्ग। आकांक्षा, मतलब ऐसा कोई ट्रेंड आप सेट कर रही हैं क्या कि पहले बहुत स्टाइलिश नजर आऊंगी, उसके बाद मैं भगवान जैसा कोई शो करूंगी, वापस मैं स्टाइलिश नजर आऊंगी, इसके पीछे कुछ ऐसी वजह है खास तौर पे? मैं सरप्राइज करते रहना चाहती हूँ अपने फैंस को, और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कोई मैं एक स्टीरियोटाइप ना हो जाऊं। मैं हमेशा कुछ अलग प्रेजेंट करूं, अलग अलग फ्लेवर्स दूं मैं अपने ऑडियंस को। तो यही मेरा रीजन था कि कुछ कुछ नया होते रहना चाहिए। इससे पहले मैं बालक तू माता जुबिन नौटियाल के साथ मेरा आया, जो कि एक डिवोशनल सॉन्ग था। उसके बाद हरे कृष्णा आया जो पलक मुच्छाल का, वो अगेन एक डिवोशनल था। सब में अलग अलग लुक्स थे। फिर डेंजरस इज हियर, अब मैं एक और सॉन्ग कर रही हूँ जो एक रोमांटिक सॉन्ग है। फिर मैं OTT पे इतना कुछ कर रही हूँ, मैंने रणदीप हुड्डा के साथ जो भी अपनी सीरीज शूट करी उसमें मैं एक अलग कैरेक्टर में हूँ। अभी Amazon Prime के लिए शूट कर रही हूँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि लाइफ बहुत स्पाइसी रहे, बहुत कुछ वैरायटी हो लाइफ में ऑडियंस को दिखाने के लिए, बिकॉज ब्लैंड तो मुझे खाना भी पसंद नहीं है। तो अपनी लाइफ भी और करियर भी मैं ब्लैंड नहीं चाहती, स्पाइसी रखना चाहती हूँ। जैसे हम इससे पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं और वहां मैं बहुत साफ तौर पर आपने कहा था कि जब आपको माता पार्वती का रोल मिल रहा था उस वक्त भी आपको ये बात कही जा रही थी कि यार इतनी स्टाइलिश लड़की कैसे माता पार्वती का रोल कर सकती है। जब आपने कुछ ऐसी जो एक नई जो चीजें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो मैं कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि आकांक्षा अपनी रियल लाइफ से भी काफी रिलेट करती है, तो ऐसे कोई मैसेजेस या कुछ ऐसी चीजें आई है जहाँ पे सब लोगों ने बोला यार माता पार्वती को तो हम इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि लोग एक्चुअल में एक कैरेक्टर को पूजना शुरू कर देते हैं जब उस तरह के कैरेक्टर ना कहीं निभाते हैं? Yes, actually नेहा, ऐसा बहुत होता है लोगों के साथ, बट आई एम लकी, मैंने कभी भी स्टीरियोटाइप नहीं होने दिया अपने आप को। मैंने हमेशा अपने आप को बहुत रियल प्रेजेंट किया, मैं सोशल मीडिया पे भी हमेशा वैसे ही रखा, अपडेट्स वैसे किए, पोस्ट वैसे किए। जब लोगों ने मुझे बाहर भी देखा तो उन्होंने मुझे काफी रियल देखा। तो आई थिंक ये रीजन है कि मैं स्टीरियोटाइप नहीं हुई, लोगों मेरे ऊपर कोई टैग नहीं लगा, और इसीलिए आज डेंजरस में भी लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं और अलग अलग जो चीजें मैं कर रही हूँ उसमें कर रहे हैं। इनफैक्ट जब शो चल रहा था, मैं ऑलरेडी शूटिंग कर रही थी, तब मैंने एक्शन मूवी करी जो साउथ की तमिल मूवी, मेरी विशाल एंड तमन्ना के साथ जो मूवी थी, जिसमें मेरा ग्रे शेड था, मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था उसमें जो पूरे स्टंट्स एंड एक्शन, तो उसमें भी लोगों ने मुझे लाइक किया और वो शो के चलते मैंने किया था। तो आई थिंक ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऑडियंस के सामने। एंड मैं कभी नहीं अपने आप को स्टीरियोटाइप होने दिया, एंड आई थिंक यही रीजन है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं हमेशा और आगे भी करते रहेंगे। मुझे अपनी लाइफ को और करियर को इतना बोरिंग नहीं बनाना कि एक ही चीज आप देखते रहे, और शायद यही रीजन था कि मैंने शो भी छोड़ा अपना 800 एपिसोड पे, बिकॉज काफी मोनोटोनस हो गया था एंड मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी एज एन आर्टिस्ट। मेरा सब कुछ मैंने डिलीवर कर दिया था उस शो में, एंड फिक्शन शो नहीं है कि आप कुछ नया क्रिएट कर लेंगे। एंड लकी हूँ कि ये साल ऐसा चल रहा है, बैक टू बैक 2 सीरीज ऑलरेडी शूट कर रही हूँ, तीसरी लाइंड अप है,
एंड फिर मेरी साउथ की मूवी है जो मैं शूट करूंगी एंड गाने तो है ही जो चल रहे हैं बैक टू बैक. सो या दिस इज समथिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस ईयर. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. जाते जाते दैनिक जागरण के फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी डेंजरस को लेकर और साथ में आपके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर? दिस ईयर मेरी बहुत बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अलग अलग चीजें ट्राई कर रही हूँ. सो प्लीज जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं अभी तक हर चीज में, डेंजरस को इतना वायरल किया एंड थैंक यू सो मच. बिग थैंक्स टू ऑल माई फैंस एंड प्लीज आई नीड योर लव एंड सपोर्ट मोर दिस ईयर बिकॉज लॉट 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 इज कमिंग एंड मैं आपको सरप्राइज पे सरप्राइज करने वाली हूँ इस साल. बहुत कुछ है वैरायटी इस साल आपको देने के लिए. थैंक यू सो मच आकांक्षा हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. Thank you so much, Neha. Thank you. Bye. Bye, everyone.